Thank you.
प्रथम स्कंद प्रथम प्रारंभ करवार आदेश दिए
সেই জন্য গত দুই বছর আগে থেকেই দুই বছর ধরে আমরা কাহানি কৃপা কাহানি অনুপ্রেরণা এই শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থ লিখতে আমরা প্রারম্ভ করি। গুরু পার্বত তিনি বলেছিলেন যে আমি যাওয়ার আগে এই গ্রন্থ দেখতে চাই, তাই কার্তিক মাসে একটি গ্রন্থ নিয়ে এসে গুরুদেবের চরণকে উনার করকমলে সপ্রদান করা হয়। তখন তিনি প্রচুর আশীর্বাদ দিয়েছিলেন এবং তিনি অহেতুকি করুণা বর্ষণ করেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি অত্যন্ত অত্যন্ত রূপে আনন্দিত হন। এই শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থের মধ্যে একটি বিশেষত্ব রাখা হয়েছে, যার মধ্যে অনুবাদ অন্যায় সংস্কৃত থেকে হিন্দি অন্যায় তারপরে অনুবাদ ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের টিকার অনুবাদ ভাবানুবাদ এবং শ্রী ভাব প্রকাশিকা বৃত্তি, যেটি গুরুপাদ পদ্মকি অহেতুকি করুণা সে উনকি প্রেরণা সে ইহ গ্রন্থ লিখনে কা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হুয়া থা আর আজ ভি হ্যায় আর যাতে সময় উনহোনে প্রচুর আশীর্বাদ ভি দিয়া ইস গ্রন্থ কো পূর্ণ করনে কে লিয়ে, যেটি হিন্দি মে লিখে জানে পর ইহাঁ সে ইংলিশ আর সবই ভাষাও মে এ প্রকাশিত হোতা হ্যায়। इसलिए गुरु जी की विशेष इच्छा थी जो कि बड़े बड़े ग्रंथों को प्रकाशन किया जाए और उसमें विशेष रूप से कुछ व्याख्याएं दी जाए, तो इसमें हमने गुरु जी की कृपा से उनकी प्रेरणा से जो कि उनकी उनका आदेश रहा है कि संस्कृत से हिंदी किया जाए, इसलिए प्रत्येक शब्द का अन्वय में संस्कृत से हिंदी किया गया है। इसके बाद गुरु जी के द्वारा स्वयं लिखित अनुवाद को इसमें दिया गया और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के टीका का भावानुवाद दिया गया है। इसके पश्चात जो श्री भाव प्रकाशिका वृत्ति नाम से लिखा गया है, जिसमें श्री सनातन गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री श्रीधर स्वामी श्री वीर राघवाचार्य वल्लभाचार्य और आचार्यों के जो मत हैं उनके विचार हैं और उनकी जो भावना है ये सब कुछ इसमें सम्मिलित करके हिंदी में ही लिखने का प्रयास किया गया है, जो कि सभी आचार्यों के मत को कम से कम लाया जाए और इससे ये ग्रंथ अधिक विस्तार नहीं हो और सीमा में रह करके ही जो कि ग्रंथों का प्रकाशन करने का प्रयास किया गया, इसमें जो कि ऐसे किया गया कि श्री भाव प्रकाशिका वृत्ति आदि के साथ में प्रत्येक श्लोक के भावार्थ विचारों को और गोस्वामी जनों के विचारों को दिया गया, जो कि गुरु जी ने स्वयं इसका दर्शन किया और बड़े उत्साह के साथ में आनंद प्रकाश किया और प्रतिष्ठान इसी में देखते रहेंगे। जबकि श्रीमद भागवत दसवें स्कंध के ब्रज लीला के उपरांत माथुर लीला में माथुर विरह विप्रलंब का वर्णन हुआ है, उस विरह विप्रलंब को आस्वादन करते हुए गुरु जी राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किए हैं। इस प्रकार माथुर विरह तक उन्होंने ही देखा और साथ ही साथ उन्होंने मुझसे कहा मेरी तबीयत ढीली हो रही है, अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ, परंतु इसको तुम पूर्ण करना। इस प्रकार गुरु जी ने आदेश दिया, जो कि इसमें भूल त्रुटि और लिखने में समय बहुत कम मिलता है, इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से लिखने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो इसमें भूल त्रुटि अनिवार्य है। आप सभी लोग पढ़ते हुए इस ग्रंथ का अवलोकन करते हुए गुरु जी की भावना विचारों को अवश्य अनुशीलन करेंगे और साथ ही साथ जो भूल त्रुटियां हैं हमें अवश्य बताएं, जिससे कि इसको और संशोधन करने का हम प्रयास
इस ग्रंथ में जो कि सेवा कार्य की है और इस ग्रंथ में परिश्रम किया है उन संशोधन आदि से लेकर के प्रकाशन कर और इसमें आप लोगों को बताया कि अभी पूज्य भीजी के जो कि श्री जगन्नाथ पूजा जी श्री कांतिलाल पूजा और श्री नितिन पूजा पूजा फैमिली इसमें आर्थिक सहायता देकर इस ग्रंथ को प्रकाशन करने में हमें सौभाग्य प्रदान किया है। आज गुरु जी की अहिंस की करुणा से यह प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ में जैसे हमारे श्रीमान श्री पुरंदर दास ब्रह्मचारी श्री कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी श्री सुभद्रा ब्रह्मचारी श्री अद्भुतानंद ब्रह्मचारी श्री राधेश्वर ब्रह्मचारी श्री दामोदर दास ब्रह्मचारी ने इसमें टाइप कार्य और संशोधन आदि में भाग लिया है और विजय कृष्ण ब्रह्मचारी श्री संजय दास ब्रह्मचारी ने रूप संशोधन किया है और बेटी शांति देवी ने लेआउट आदि का कार्य किया है। मुख्य पृष्ठ का चित्र श्रीमान ज्ञानंजन दास ने किया है। ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया देवताओं के द्वारा गर्भ ग्रंथ की स्तुति सभी चित्र आदि श्रीमती श्याम रानी दासी ने बनाया है तथा डिजाइन श्रीमान विकास ठाकुर दासाधिकारी द्वारा किया गया है। श्रीमान अमल कृष्ण ब्रह्मचारी तथा श्रीमान मानस प्रिय ब्रह्मचारी ने प्रकाशन संबंधी सेवाओं में पात्र योगदान किया है। इसके अतिरिक्त जो पूजा फैमिली अभी नाम बताया गया इन लोगों ने ग्रंथ में यहाँ पर इस ग्रंथ को प्रकाशन करने में आर्थिक रूप से सहयोग किया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का यह केवल पहले अध्याय से आठ अध्याय तक आया है। ग्रंथ का कलेवर देखने से आप लोग डर जाएंगे कि बहुत बड़ा है बहुत सारी कॉपियां आ जाएगी पर तो गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और जाते जाते मैंने भी पूछा गुरु जी आपने कभी कुछ हमें बताया नहीं इस ग्रंथ में जो कि इतना बड़ा हो रहा है जो मैंने हम खुश हैं और हमें यही चाहिए जो तुम कर रहे हो। इस प्रकार गुरु जी की आयत की कृपा करुणा को आज हम स्मरण करते हैं उनके कर्णकमल में ये ग्रंथ को समर्पण करते हैं। इसके साथ ये लोकार्पण किया जा रहा है जो कि दिल्ली में मथुरा वृंदावन गोवर्धन आदि में सर्वत्र ये ग्रंथ उपलब्ध होगा और इस श्रीमद् भागवत को अवश्य अवलोकन करें यही मेरी प्रार्थना है। गौर प्रमाणे हरे कृष्ण আমাদের এখানে সমাধি মন্দিরের জন্য ইঞ্জিনিয়ারটা উপস্থিত হয়েছে আমাকে পার্টিতে যখন যেতে হবে আমি এবার ঘুরে আসবো ততক্ষণ সবার দায়িত্ব সময় দিয়ে আমি পাঁচটা মন্দির মধ্যে চলে আসছি। ফরগুলের সমাধি মন্দির ইঞ্জিনিয়ারের কাম সো আই টু অ্যাটেন্ড হিম আই উইল ব্যাক হিয়ার উইদিন 10 মিনিট সো সরি ফর দ্যাট and in response to the Subhati Samad, I will mention the assembly. Sripad Nani Maharaj, please come and narrate the glorification of Harihara Kshetra. Sripad Nani Maharaj was started there, giving two parties over there. Our Kesari Gauriman and his Kanko Iko Kanko and Harikata over there. So Nani Maharaj started there, the mentor is Sripad Nani Maharaj, to speak about Harihara Kshetra. Thank you.
Hello, the transmission frequency for English will be 90.0. Previously it was 87.5, but lot of people who are using mobile phones could not access it on 87.5. So we have increased it to 90.0. If anyone has any trouble, let me know. It is the 90.0 for English transmission for the Parikrama. Hare Krishna. Hello. Atomic living entity.
Chaitanya. Some people think that the living entity become either we are God or we can become one with God. This is complete illusion. Anu Chaitanya, this atomic, tiny speck of consciousness, ourselves, we are under the influence of Maya. And Krishna, Vibhu Chaitanya, he is controlling Maya. So Maya is controlling us, and Krishna is controlling Maya. This is an insuperable delineation between the Lord and the living entities. We cannot become the Supreme Lord. It's not possible. So of Vibhu Chaitanya, there's also two kinds. One kind is the Supreme Lord who never associates with the material energy. This is Lord Vishnu, or Vishnu Tattva. Vishnu Tattva means all Vishnu forms. Vishnu, Vishnu, Graha, Kurma, Matsya, all these forms, and ultimately Krishna himself. This is one kind of Vibhu Chaitanya. Other kind of Vibhu Chaitanya, voluntarily, for the purpose of pastimes, he accepts association with the material energy. So this is Shivji. So Vishwanachakari Thakur, he explains that on the one hand it's an offense to think that Shivji is separate from Lord Vishnu. And on the other hand it's an offense to think that Shivji is the same as Lord Vishnu. So it's a fine distinction. Srila Gurudev explains in his Shiv Tattva, there are so many different manifestations of Shiv Tattva. The highest manifestation of Shiv Tattva is Gopeshwar Mahadev in Vrindavan. Although there's a pastime where Shivji acquires or attains a gopi form, this is a temporary pastime. But actually, eternally, he's resting in Vrindavan as Gopeshwar Mahadev. And this is his highest form. He also manifests in Vaikuntha as Sadashiv. And then in the material world, he manifests in different Shiva forms for the purposes of destruction of this material universe. Lord Shiv, Shivji, is the topmost devotee of the Lord. Vaishnavana yata shambhu. And sometimes Krishna gives him very unpleasant tasks. Like when the demigods were churning the ocean of milk to get nectar. First they didn't get nectar, they got poison. And the poison was threatening the whole universe. So Shivji, he drank the poison, nobody else could do it. He drank it but he thought, the Supreme Lord is present in my heart, so I cannot let this poison come down to my heart. So he held it in his throat. And therefore his name is Nilakanta, means blue throat. On another occasion, Lord Hari instructed him that you go to the material world and you delude the atheists and the materialists by preaching a false philosophy. Mayavadama Satchitjantra. You preach this bogus nonsense philosophy that the individual soul and the supreme soul, they're not different from each other. And in this way you confuse the atheists and atheists and the demons so that the devotees, they will have their own separate pure sampradaya, separate from their, from the worship of the materialists, for their own purposes. How did Shivji get to Harihara Kshetra? Srila Gurudev explains that during the time of Lord Krishna, one bogus, Pondraka his name was, he artificially put on two extra arms and he challenged Krishna that I am the real deal of Vishnu, and you have to give me the symbols of Vishnu, the disc, the club, the conch, and lotus flower. So Krishna laughed. He went into battle. And there was Pondraka, false Vasudev, with his artificial arms. He said, give me the symbols of Vishnu. So Krishna said, okay, here's your disc. And he set the disc and the disc cut off his head. And Krishna threw the head into the city of Kashi. The son of Pondraka became very angry. And he summoned up a huge demon to attack the Yadus. So the demon approached Dvaraka, but of course he couldn't attack Dvaraka. He was frustrated. So he came back to Kashi and he burnt up Kashi.
killed the son of Homraka, and then Sudarshan Chakra came, and Sudarshan Chakra totally destroyed Kashi. Now Kashi is the city where Shiv. So Shiv, he ran, he left everything behind. He left his wife behind, he left his tribe behind, he left his clothes behind, and he ran and he ran and he ran. And finally, he found shelter in Harihara Kshetra. After this, he got shelter in Bhuvaneshwar, not very far from Jagannath Puri. And there he resides as Lingaraj. So it said that anyone who leaves their body in Harihara Kshetra, Lord Shiva is very, very merciful. And when they're leaving their body, he calls in the air, Gauranga, Gauranga, Gauranga. So in this way, they become very fortunate and they attain a very favorable destination. So Lord Shivji is very favorable, very merciful to the poor living entities. This is why he's called Bhutana, and he's helping us to get further. So Shri Harihara Kshetra Ki Jai. Once you call the Guru, there's nothing about sin in the devil. Now, put it on the mind if you're a voice in the devil. Amen.
মনুষ্য জন্ম লাভ করে দুর্লভ যে সাধুসঙ্গ করার সৌভাগ্য লাভ করছে এবং সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই সংসার জিনিসে আর কোন নেই সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয় লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বশক্তি এটা কিন্তু একজনের ফল নয় পূর্ব জন্মের বহু প্রকৃতি যাদের সঞ্চিত আছে তারাই সাধুসঙ্গে এই ধাম দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে ইচ্ছা করলে যে ধামে আসবেন হবে না ধামের যদি কৃপা না হয় ধামের অনুগত সাধুভক্তদের যদি কৃপা না হয় পূর্ব জন্মের যদি প্রকৃতি সঞ্চিত না থাকে পারবেন না আসতে আপনি কেন আপনার অভাব পয়সার সংগ্রহ করতে পারবেন না যদি আপনারা এখানে যারা এসেছেন মহাভাগ্যবান আপনারা পূর্ব জন্মের আপনাদের প্রচুর পরিমাণে সুপ্রীতি সঞ্চিত আছে যার জন্য আপনারা শ্রীধাম নবদ্বীপ পেয়েছে সাধুসঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলি বিজড়িত ধাম সমূহ দর্শন করার সৌভাগ্য আমরা লাভ করতে পারি এই নবদ্বীপ ধাম সাধারণ আমাদের যেরকম ভাবে গ্রামে গঞ্জে জায়গা ইত্যাদি এই ধরনের নয় ধাম হচ্ছে চিন্ময় তত্ত্ব ধাম হচ্ছে চিন্ময় তত্ত্ব ধাম হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু তত্ত্ব এই জন্যে ভগবান এখানে আসবেন নিত্যানন্দ প্রভু সেখানে এসে ধাম করতে অবস্থান করে ভগবানের সেবা করেন তাহলে ধাম স্বরূপ হচ্ছে নিত্যানন্দ স্বরূপ আর নিত্যানন্দ স্বরূপ হচ্ছে গুরুতত্ত্ব এই জন্যে গুরুদেবের উপায় আমরা এই ধাম দর্শন করতে পারি যার জন্যে গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে আছে অজ্ঞান তিমরাম দর্শ জ্ঞানাঞ্জন ফলাফা চক্ষু রঙ্গিল চন্দ্রের দর্শনই শ্রী গুরুদেবের নাম আমাদের অজ্ঞান তব থাকার জন্যে প্রকৃত যে ধামের স্বরূপ আমরা দর্শন আমরা মনে করি যে এই তো গ্রামের মতো গাছপালা ইত্যাদি সব আছে কিন্তু ধাম চিন্ময় সেই চিন্ময়ের তো যখন কখন হবে তখনই সাধুর সঙ্গে ভগবানের কথা ধামের মাহাত্ম যদি শ্রবণ করা যায় তাহলে এই ধামের চিন্ময় তো আমাদের সামনে প্রকাশিত হবে নাহলে এই চোখই এই ধাম দর্শন করা যাবে না যেটা নাকি বলেছেন স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে তোমার এই চক্ষু দিয়ে জড়চক্ষু দিয়ে তুমি আমার বিশ্বরূপ দর্শন করবে এটা কখনোই সম্ভব নয় তবে তুমি যেহেতু দর্শন করতে চাচ্ছ তাহলে তোমাকে আমি কৃপা করব তোমাকে আলাদা একটা চক্ষু দিচ্ছি সেই চোখের দ্বারা তুমি আমার বিশ্বরূপ দর্শন করবে কিংবা এই ধাম দর্শন করবে এই ধাম দর্শন করতে গেলেও এই যে জড়চক্ষু পার্শ্ব ভৌতিক যে চক্ষু এর দ্বারা কিন্তু এই ধাম দর্শন হবে না ধাম দর্শন হয়ে শাস্ত্রে বেদান্তের মধ্যে একটা কথা আছে আমাদের পরম গুরু মহারাজ উনি দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন তিনি লিখেছেন এই চক্ষুর দ্বারা ধাম দর্শন হয় না ধাম দর্শন করতে হবে কান দিয়ে সে আবার কি কথা কান দিয়ে আবার দেখা যায় হ্যাঁ নাহলে বললেন কেন উনি সাধুদের কথা তো নিজস্ব ব্যক্তিগত কথা নেয় ওটা শাস্ত্রীয় কথাই বলেছেন ধাম দর্শন করতে হবে চোখ দিয়ে নয় কানের দ্বারা চোখের দ্বারা যে দর্শন হয় চোখ তো জড় শত শত ভুল ভ্রান্তির দ্বারা এই চোখ সুতরাং আমরা যা দেখবো সব আমরা জড়িয়ে দিয়ে দেখবো এই জন্যে কানের দ্বারা শ্রবণ করতে হবে ধামের মাহাত্ম শ্রবণ করলে ধামের স্বরূপে আমাদের কাছে কৃপাপূর্বক প্রকাশিত হবে সুতরাং সেটা একমাত্র সম্ভব সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম এইমাত্র চাই সংসার জীবিকা আর কোনো বস্তু নয় সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয় লবমাত্র সাধুসঙ্গে কিঞ্চি সামান্যতম যদি সাধুসঙ্গ হয় তবে সর্বসিদ্ধি লাভ হবে সুতরাং আমরা
সাধু সঙ্গে প্রশ্নকরের আনুগত্যে গুরুদেবের আনুগত্যে আমরা এই ধাম দর্শন করছি। ধাম আপনারা এই ধামে এসে ধাম সাধারণ জিনিস নয়, এই সাধারণ মাটির দ্বারা একটা নির্মিত নয়, এটা হচ্ছে অপ্রাকৃত, এটা হচ্ছে একদম শ্রী রোদগোপীগণের চরণ ধূলির দ্বারা এই ধাম নির্মিত হয়েছে। এক সময় কৃষ্ণ অর্জুন একটুখানি অভিমান করেছেন, অর্জুন বললেন আর অভিমান করেছে, উনি বললেন যে প্রভু আমি আপনার সবচেয়ে প্রিয় ভক্ত। কৃষ্ণ ভাবলেন যে আমার প্রিয় ভক্তের আবার এরকম অভিমান হবে কেন, আমি আপনার সবচেয়ে প্রিয় ভক্ত। ঠিক আছে, উনি ভক্তের অভিমান দূর করার জন্য একটা ছলনা করলেন, অসুস্থের স্থান করলেন, নারদ আমার হঠাৎ মাথা যন্ত্রণা করছে, একটু ওষুধ যাবো না? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কবরেজ দেখতে যাই, আমি কবরেজকে দেব। কৃষ্ণ আবার কবরেজের উদ্ধার করে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। নারদ তুমি কোথায় যাচ্ছ? যে প্রভুর তো এই ভয়ে মাথার যন্ত্রণা, এত ওষুধ আসে যাচ্ছি কবরেজের কাছে। আরে কবরেজ তো আমি, আমাদের চতুর্ভুজ আমরা এই কবরেজই করি, সুতরাং তোমাকে আর যেতে হবে না, কি হয়েছে চলো তোদের মাথার যন্ত্রণার ওষুধ দিন, তোরে না আমি রুগী দেখো। এসে উনি উনি নাড়ি টানি দেখা শুরু করলেন, করে বললেন যে হ্যাঁ এ কঠিন বেদি, তবে ওষুধটাও খুব দুর্মূল্য ওষুধ, এটা সহজে পাওয়া যাবে না, কোনো মূল্য দিয়েও পাওয়া যাবে না, দুর্লভ ওষুধ। কী হবে কী ওষুধ বলুন একটু, যতই হোক দুর্লভ আমি চেষ্টা করে দেখো। কোনো ভক্তের যদি পদধূলি এর মাথায় লেপন করে যায় তাহলে কিন্তু রোগটা সেরে যাবে। ভগবান নিজেই বলছে, বলছেন ওই কবরেজের উদ্ধার করে, ভক্তের পদধূলির দ্বারা যদি আমাকে একটুখানি মাথায় লাগে অভিষিক্ত করা যায় তাহলে আমার সব বেদিনীয়ভূত হবে। এই জন্যে সাধন ভজন ক্ষেত্রে তিনটে জিনিসের প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস চাই, ভক্ত পদধৌত জল, ভক্ত ভক্ত পদধ্বনি, ভক্ত পদধৌত জল, ভক্ত ভক্ত অবশ্যই এই তিন সাধনের বল। এই তিনটের উপরে যাদের দৃঢ় বিশ্বাস হবে তারাই ভগবানের কৃপা লাভ করতে সমর্থ। ওই জন্যে শাস্ত্রে বলছে মহাপ্রসাদে গোবিন্দে রাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে অল্প পুণ্যবতান বিশ্বাস, অল্প পুণ্যবান ব্যক্তি এতে বিশ্বাস হবে না, এই জন্য দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মহাপ্রসাদকে গ্রহণ করতে হবে। স্বয়ং ভগবান তিনি এটা পেয়েছেন, তার অধরাম কিন্তু এর মধ্যে আছে, তাহলে এটা আমাদের পক্ষে ভক্তি রাজ্যের ক্ষেত্রে পরম পালেও এবং ভক্তের চরণের ভক্ত জল, চরণের ভগবান নিজে নিয়েছেন, সুতমা বিপ্রের চরণ সৌত করে এনে পান করেছেন আর সমস্ত বাড়িতে ছিটিয়ে দিয়েছেন, আর চরণামৃত ভক্ত বোঝ। এই তিনটে জিনিসের মধ্যে আমাদের পুরো বিশ্বাস রাখতে হবে, আর যদি একটু বিশ্বাস কম হয় ভক্তির আছে ফিরে হবে, ভক্তিতেই দ্রুত হয়ে যাব। এই জন্যে ভক্তি করতে হবে দৃঢ় বিশ্বাসের সময়। যাই হোক, তা এখন নারদকে পাঠালেন, কৃষ্ণ যাও আমার ভক্তের পদধূলি নিয়ে আসো, বলছে কেউ দেয় নাকি কোনো ভক্ত নিজের পদধূলি ভগবানের মস্তকে দিয়ে অনন্তকাল নরকে যাবে, কখনো সম্ভব না। বলে যাও না তুমি দেখো আমি কষ্টে মরে যাব আর তুমি এইরকমভাবে যাচ্ছ না। নারদ কৃষ্ণ পাঠালেন, প্রথমে গেলেন শিক্ষাগুরের কাছে, পঞ্চরা মুখে না রাম নাম গান ত্রিপুর আগে ওনার কাছে গিয়ে বললেন প্রভুর এই উদ্ভব খুব কষ্ট হচ্ছে, আপনার চরণ ধুলে দিন, আপনি তো প্রভুর ভক্ত। আর উনি ত্রিশূল নিয়ে মাটি গেছে, খবরদার কথা বললেই অপরাধ হবে, আর নরকে যেতে হবে। ওখানে হলো না, ব্রহ্মার কাছে গেলেন, উনিও গেলেন না, তিনি নিরাশ হয়ে গেছেন, ভগবানকে বললেন কৃষ্ণকে পাওয়া গেল না প্রভু, কোথায় কোথায় গেছে, সব জায়গায় গেলেন কেউ দিল। আরে তুমি বৃন্দাবনে গিয়েছো? না ওখানে যাবে, বড় বড় কর্তব্যরা দিল না, আর বৃন্দাবনের ব্রজলোকের কিছুই জানে না লেখাপড়া, তা ওরা আবার দেবে দেবে, তুমি যাও আগে। আর বৃন্দাবনে যাচ্ছেন নারদ, নারদ আঠাতে সবাই
ধীরে ধরেছে বল বলা আমার প্রভুর কিরকম আছে, প্রভু কেমন আছে, বলে প্রভুর জন্যই তো আমি ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি। কবিরাজ বলছেন তার কোন ভক্তের পদ জুড়ে দিতে হবে, এই জন্য আমি এখানে কারণ তুমি তো একজন ভক্ত তা তুমি দিতে পারলে না, বলে এই জন্যই তো আমি তোমাদের কাছে আসতে চাই, তোমাদের যা আছে মুখে চাই বলে বেরো। আমি এখন আমার পদগুলি ভগবানের মস্তক দিয়ে অনন্তক্ষণ নরকে যাই আর তোমরা হাতে কালি বাজা হয়ে গেলে। হ্যাঁ যাই হোক, তাহলে আজকে তুমি নরকের ভয় করছো কিন্তু আমাদের কোনো নরকের ভয় নেই, কাপড়টা তোমার অরণ্যে পাতো সব বেঁধে আর ওরা ফুলের মধ্যে পা রোগিয়ে উন্নতি দিয়েছে। বিরাট পূজা হলো চন্দ্রদিদি এবার মেবি দুষ্কাম বর্ষে সামগানি দিদি আপনার দিস জেনারেল স্পিকিং ক্রিয়া করছি কাম অভিজ্ঞতা প্লিজ কাম করো। আর তারপর বিরাট বোঝা হয়েছে ভেদে নারদের মাথায় দিয়ে নারদ মনে হয় যেই ভক্তের পদরের মস্তক স্পষ্ট হয়েছে আর নারদের বিচার শক্তিতে একটু বিপদ হয়ে গেছে। তিনি মনে করছে প্রভু এরা যোগীরা এরা নরকের ভয় করে না, প্রভুর সুবিধা নিয়ে যায় রাজা নিয়ে আপন সবে কাঞ্চি তার সুখ তার সুখ যারা অনন্ত ভাবে ভগবানের সেবা করেন তাদের হচ্ছে এই উক্তি। তাই তিনি গোপীগণের গুণকীর্তন করতে করতে চলে আসেন, এসে দ্বারকা এসে একটুখানি তুলে দিয়ে দিলেন আর মস্তকে লাগিয়ে সুস্থ মনে বহু নারদ আমি তুমি আমাকে বাঁচো ভক্তের পদদলির দ্বারা যাই হোক। ভক্তের পদদলি বিশেষ করে ব্রজগোপীগণের পদদলি তিনময় ওটা কখনো নষ্ট হয় না, সুতরাং ওই একখানি নিয়েছে আর বাকিটা ওখানে রেখেছিল, বাকিটা ওখানে একটা বিরাট একটা পুকুর রয়েছে দ্বারকার মধ্যে আর পুকুরে ওটা সব গোপীচন্দন, ওখানে যা মাটি কাটলে ওই গোপীচন্দন, আমরা যে গোপীচন্দ্র ছিল জানে না ওই ভক্ত পদদলের দ্বারা নির্মিত চলে ছিল সেটা হচ্ছে দ্বারকা। সুতরাং তিলকটাকে আপনারা সাধারণ মনে করবেন না, এই জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার সব ভক্তবৃন্দকে বলছেন হে ভক্তবৃন্দ তার শিক্ষা দিচ্ছেন তার ছাত্রদের, একদিন একজন তিলক করে আসেছে বলা মারা যাচ্ছে তোমার তোমাকে আজকে ক্লাস দেওয়া হবে না তোমার তুমি বেরিয়ে যাবে, কারণ এই সবাইকে তিলক আর বলায় মারা দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু খুব খুশি হবে। সুতরাং আপনারা সবাই তিলক করবেন আর বলায় মারা রাখবেন তাহলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু খুশি হবে আর মহাপ্রভু খুশি হলে পরীক্ষিতা করবেন ভয় করবেন না লজ্জা করবেন না। হ্যাঁ লজ্জা এখানে কিছু নেই, আমরা তো একটা বিরাট সম্পত্তি লাভ করার জন্য চেষ্টা করছি, সুতরাং একটু লজ্জা করবেন না আর এই মালা দিল সবরকমের জন্য রাখবেন, যমরাজ প্রণাম করবে আপনাদের যম করিতেও আর নেবে না। যাই হোক ওই পূজা যখন প্রলয় মহাপ্রলয় হয় কিন্তু নষ্ট হয় না, গতি হচ্ছে এই নবদ্বীপের মধ্যে এসে নটা খন্ড হয়ে এই দুর্গা কোন দুর্গা ওই গোপীদের পদরে এইখানে এটা নবদ্বীপ হবে, এই জন্যে বৃন্দাবন অপেক্ষায় এর আরো বৈশিষ্ট্য বেশি দেখিয়েছেন নববৃন্দাবনের অর্থাৎ নবদ্বীপ ধর্ম, যারা এই ধামের মধ্যে গড়া করে যাবেন তারা ওই গোপীগণের পদরে নিতেই গড়া করে যাবেন, তাদের সমস্ত অপরাধ দূরীভূত হবে এবং কৃষ্ণ প্রেম করা লাভ করতে পারবে। সুতরাং আপনারা ধামকে সামান্য মন করে মনে করবেন না, সামান্য ওই মাটি ইত্যাদি একটু গাছপালা একটু জড়ো ইত্যাদি একটু চিন্তা করবেন না, তাই সুতরাং আপনারা চিন্তা রাখবেন এতে যে আমরা এই সাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই খুশি চৈতন্য মহাপ্রভুর যে বাড়ি এই বাড়িটাকে ঠিক রেখেই চলবেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রাখবেন, ওদের সমালোচনা আপনারা কেউ করবেন না, তাহলে আমরা এই ভক্তি রাজ্যের থেকে ছুটে হয়ে যাবো। সুতরাং আমরা আজকে দিয়েছি প্রথমে সুরভিকুঞ্জ, ওখানে অপরাধ খণ্ডন হয়েছে, ইন্দ্র তিনি অপরাধ করেছেন ভগবানের চরণে, ব্রহ্মা তিনিও অপরাধ করেছেন কৃষ্ণের চরণে, তারাও এই স্বামী এসে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পরম উদার লীলা করছেন, এই জন্য ওরাও এখানে এসে মহাপ্রভু লীলা দর্শন করেন, সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তপস্যা করেছেন।
আপনার গোত্রমীর গিয়েছিলাম ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সে জায়গাও আপনারা দর্শন করলেন এবং আরো মাত্র কিছু আমরা ভ্রমণ করেছি। এরপরে হরিয়ার মাত্র আর বৈষ্ণববৃন্দ বন্ধ বলবেন, আমি এই বলে আমার বক্তব্য এখানে
And Sanyavini Radhika, she, her expansion meets Krishna in Kurukshetra. And although it's meeting, she's feeling intense separation and praying that he will return to Vrindavan, where is the only place that he can be happy. Similarly, as Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna absorbed in the moods of Radhika, in his supreme dham, Bhagavad dham, which includes all other dhams, he is in the mood of Krishna Bhanu Nandini. When he is in Puri, he is experiencing the moods of Radhika at Uddhav Kyari, feeling separation from Krishna. And in the Gambhira, he's absorbed in such moods. So there, he's tasting Viyo eating Radhika. And when he meets Sri Ramananda Rai at Godavari, he is in the manifestation of Sanyogini Radhika, or Radhika meeting Krishna at Kurukshetra. So, Navadvipa Dham includes Godavari and it includes Puri. As you'll see on our daily parikrama, that all other dhams, Vaikunthapur, everywhere is included in Navadvipa. So although Chaitanya Mahaprabhu is eternally is experiencing the Madanakya Mahabhava and all other moods of Srimati Radhika, he performs the pastimes of receiving that from Rai Ramananda. And we read the verse in Rai Ramananda Sambhad, which to our great fortune is in the Hindi language and English language at the bookstore. Sanchayana vidabhaktamega swabhakti-sinanta-chayamritani. Chaitanya Mahaprabhu is just like the ocean of all-inclusive truths. And just as in the heat, the water from the ocean is evaporated, and all the salt is removed, and it's only pure water vapor. That vapor becomes the cloud. And the cloud then pours pure water back onto the ocean. When a certain constellation called Swati Nakshatra, the water that comes from that cloud enters the oysters in the ocean, and at that time the oysters produce pearls. So the ocean becomes filled with valuable jewels at that time. Similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu is the embodiment of all inclusive truths. And very in a hidden way, he infused the nectar of all ambrosia of Bhakti Siddhanta, or realized knowledge of Radha Tattva and all of her moods, which Krishna came to this world to taste. So he infused all of those moods in a very hidden way, imperceptibly, into the heart of Sri Ramananda Rai, who became that ambrosial cloud and then poured the nectar of such realizations in the heart of Chaitanya Mahaprabhu. That cloud himself, Sri Ramananda Rai, prayed to Mahaprabhu that just like Lord Narayan imbued the heart of Sri Brahmaji with Gyan and Vigyan and the most confidential knowledge, similarly
You are infused in my heart, and I am just like an instrument playing your tune. Or, just like the super soul infuses the heart of the pure devotee and makes them taste the various rasas of friendship, parental love, servitorship, and ultimately conjugal love. And then that devotee in turn, by his pure ecstatic love, astounds the Lord. So similarly, you are infusing me with your own knowledge. So by that realized knowledge that Sri Ramananda derived, in return, rain showered upon the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He became in full realization of the purpose of his descent. It's stated that Mahaprabhu's ears were just like the ocean, and then the water of the moods of Srimati Radhika entered the ears of Mahaprabhu, and through that entered his heart, and he became the ocean of all that Bhakti Siddhanta. What kind of ocean? An ocean without any crocodiles and without any sharks. What are the sharks and crocodiles? It's karma, or fruit of activity, upasana, or ritualistic worship, and jnana, or impersonal realization. And there were no ferocious waves, Srila Gurudev explained. He actually gave these lectures on this subject in Puri, and later on those lectures in Hindi became the Hindi book, which later on became Raya Ramananda Sambhad in English. So Srila Gurudev explained that he is an ocean, not of ferocious waves, but of very gentle, billowing waves of the four rasas. Because although Mahaprabhu is Krishna himself, God himself, he is the vishaya, or the taster of the ecstatic love of his devotees. But he had no realization of what the devotees are tasting in their ecstatic love, and especially the ecstatic love of Srimati Radhika and her expansions, her sakis. So Mahaprabhu became the ocean of gentle billowing waves of the four ecstatic relationships, and also particularly the very gentle waves of Sambho and Vipralamba, all by the mercy of Ramananda Rai, who, just as Sri Chaitanya Mahaprabhu in Krishna Lila is Krishna imbued with the moods of Srimati Radhika, so Sri Ramananda Rai is Vishakha Devi, who was born on the same day as Srimati Radhika and has practically the same qualities as Radhika. And so she also knows the heart of Krishna better than Krishna himself. So by the mercy of Vishakha Devi, Krishna became imbued with the moods which he couldn't achieve in any way as Krishna. He tried very hard to taste those moods in various ways, as you see in Prem Samput. For example, when Krishna disguised himself as a demigoddess and pretended to be very lamented, that how could you love Krishna? I sat on the tree at Bhaktivat, I came all the way from the heavenly planets, and I saw how Krishna left all the gopis for you, but then he left you also.
and he wept piteously. How could you love such a rascal as Krishna? So Radhika explained to him that you have no idea about my relationship with Krishna. It's not that I even understand his moves and he understands mine, but there's no difference between us. So in this way and many other ways, Krishna tried to taste the moves of Radharani, but fully successful, he couldn't. So now as Chaitanya Mahaprabhu, he's become the ocean of the waves of Vipralamba and Sambhog. He could taste from Radharani's point of view, as in Goloka Vrindavan, he begged Radharani that please lend me your moods. So she said, yes, certainly, I'll lend you my moods. But I myself will have to come and help you. I'll come as my Saki Lalita and help you as Sri Swarup Damodar. I'll help you in my through my friend Vishaka as Rai Ramananda, and I will personally come as Gadadhar Pandit, just like Chaitanya Mahaprabhu would go to Jyoti Gopinath temple in Puri. And here Srimad Bhagavatam from Gadadhar Pandit, who is Radharani herself, who was speaking the Bhagavatam from the point of view of Srimati Radhika. So in this way, although Chaitanya Mahaprabhu is called Gaura Hari, which means one who steals the complexion and moods of Srimati Radhika, Srila Gurudev said there's no way. And we chant Sachinandam Gaura Hari Ki Jai, Hari Hari Bo. But although we chant that in great jubilation, Srila Gurudev said there's no way that Krishna could have stolen the moves of Srimati Radhika, because she's too alert. She is Sarva Lakshmi Mayi. That means that although Krishna is Bhagavan, he is the embodiment of all the six opulences, including full knowledge. Srimati Radhika is his six opulences, Sarva Lakshmi Mayi. So she's also his opulence of knowledge. So she's too alert that he couldn't have stolen her mood. So by her mercy, she lent it to him, but she's helping him through Ramananda Rai. So now Chaitanya Mahaprabhu is tasting Srimati Radhika's moods. And there's one expression here, Swabhakti Siddhanta Chayakritani, Swabhakti Sriya. Chaitanya Mahaprabhu also became the ocean of the mellows of the services of the maidservants of Srimati Radhika, which is the pinnacle of devotion for all jivas. So he tasted that in many pastimes, picking flowers for Radha and Krishna. And he gave the jivas the only thing that they could taste, because they can't taste his swabhakti, his own bhakti, the embodiment of his own bhakti, Srimati Radhika. So he gave us fortunate jivas who have the swarup, and after, as Bharatiya Maharaj just mentioned, after many, many births, millions of births of sukritis and sanskars and devotional service, we're able to have such bona fide guru, shiksha and diksha guru as we have. And here we get to attend Navadvipam Vikrama in the Lord's own abode, which is not different from Vrindavan, which includes not only all other spiritual abodes, but all other incarnations, all other pastimes, all material universes are present in Vrindavan and in this Navadvip. So we pray to Sri Chaitanya Mahaprabhu, to Sri Ramananda Rai, to Sri Visakha Devi, that we may fulfill the function or the purpose of our having come to Sri Navadvipam to serve all the beautiful Vaishnavas, however apparently big or small they may be,
because we don't know who's who. And you're all very glorious Vaishnavas. So I pray for your mercy that I can attain some Guru Nista in my Shiksha and Diksha Guru, in Chaitanya Mahaprabhu's pastimes and their reality, and become a pure devotee of Navadvip Dham, Sri Guru and Sri Radha and Krishna. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. अब मैं भक्तिरस शिक्षा सुंदर चर्चा हूँ हिंदी में, हिंदी भाषा में कुछ हरी भाषा सुनना है. I've been asked to make an announcement that Srila Gurudev has given over the last so many years many, many thousands of lectures, and this is recorded on audio tapes and video tapes. So in the bookstall in the front of the temple, now they're selling hard drives of 5,000 of Gurudev's audio and video lectures. So you're welcome to get them. They're not expensive, but there's only 10. So it's first come, first serve. Thank you. That's 3,500 rupees. And also, this very, very beautiful manifestation of Srila Gurudev's heart, his childhood, how and why his mother gave him his nickname, how he grew up in school, and all the very beautiful siddhanta. As we know, Sripad Madhav Maharaj is like the manifestation of all shastras. So as he's relating the pastimes of Srila Gurudev, as he's heard from him hundreds and hundreds of times, how Srila Gurudev joined the mat, how mystically he left his home in the middle of the night and went to the railway station wondering, I don't even know the address of the mat, what to speak of, who I could ask, how to find it. But his Guru Maharaj knew and made arrangements that Srila Vaman Maharaj would come to meet him with a hurricane lamp. So having heard these beautiful pastimes hundreds of times from Srila Gurudev, they're very wonderfully described here in Srila Gurudev's biography, Sripad Madhav Maharaj's memoirs, mixed with very lovely siddhanta in support of Srila Gurudev's perfection of being a Nityasiddha Parikar, or eternally perfect associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Sri Radha and Krishna, the whole Guru Varga, and how he pretends to be a soul of this world coming to perfection so we can learn from him how to advance in Krishna Bhakti. Thank you. तथा ओम विष्णुपाद अशोक सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज
तदीय चरण जुगल में असर रुकोटी दंडवत प्रणति निवेदन करता उपस्थित पूजनीय सन्यासीगा समस्त वैष्णव जन मातृवृंद सबों के आवाज जथा युग प्रणाम निवेदन। आज हम लोग परिक्रमा में जो कि गंगा पार होकर गद्रोह द्वीप में गए और जहां गद्रोह द्वीप में सुरभि कुंज स्वानंद सुखद कुंज जहां श्री सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी निवास करते थे भजन कोटि और भजन स्थली है ऐसे स्वानंद सुखद कुंज में गए। उसके पश्चात हम लोग निकल गए काफी दूर जो कि हरिहर क्षेत्र और वहां से लौटने में सबको बड़ी दिक्कतें आई क्योंकि रोड इतना गर्म हो गया था सड़क भी चला नहीं जा रहा है और उसमें भी आप लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। कल हम लोग नरसिंहपुर ले जाएंगे परंतु देर से नहीं भोर 5 बजे हम लोग मंगल आरती के साथ ही साथ हम निकलेंगे सीधा रोड जाएंगे और आएंगे ज्यादा देर रोकेंगे भी नहीं वहां से लौट कर आ जाएंगे जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आ सके। और कल शाम को प्रवचन जो है प्रतिदिन शाम को 5 बजे से ही शुरू होगा और 4 बजे से सभी कीर्तन यहाँ प्रारंभ करेंगे और सन्यासी प्लीज कम ऑन स्टेज बिफोर 5 सो वी कैन स्टार्ट आवर प्रोग्राम 5 o'clock आफ्टर 10 विल बी आफ्टर 7:30 विल बी आरती टुडे ऑल्सो लेट सो वी रिक्वेस्ट टू ऑल सन्यासी ऑल स्पीकर टू एवरीवन। सो देयर आर आज हम लोग गए इन क्षेत्रों में दर्शन करने के लिए जो कि श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृपा लाभ कहने के लिए हमारे गुरुवर्ग जो हमने आंखों से देखा बचपन से जो कुछ हम हमने देखा और सुना बोले हम लोग श्री भक्ति विनोद धारा में हैं और उन्होंने ही भक्ति गंगा का स्रोत प्रवाहित किया है। इस भक्ति धारा में जो हम लोग आज स्नाते हैं और उसके मूल प्रवर्तक श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी उनका कृपा प्रसाद पाने के लिए हम उनसे प्रार्थना करने गए। तो इसमें क्या है कि गद्रोह द्वीप जहाँ स्वानंद सुखद कुंज श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने जीवन में परिचय दिया डायरी में लिखा और कीर्तन के पदों में भी लिखा कि मैं जिस कुंज में निवास कर रहा हूँ वो कौन क्या है स्वानंद सुखद कुंज राधा कुंड के अंदर जहाँ बहुत से कुंज हैं उन कुंजों में जो राधा जी का अत्यंत रूप से अपना प्रिय कुंज है वह स्वानंद सुखद कुंज स्वानंद सुखद कुंज में जहाँ स्वयं राधा जी विराजमाना है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रज विलासी वहाँ राधा जी का प्रेम रस भाव रस आस्वादन किया करते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने जीवन के परिचय में दिखाया वर्ष 12.5 वर्ष कमल मंजरी नाम पार्श्व तारावली वर्ष 12.5 वर्ष कमल मंजरी नाम उन्होंने अपने को कमल मंजरी के रूप में परिचय दिया उम्र में 12.5 वर्ष के बस यानी गांव निवास यदि कहा जाएगा तारावली गांव यह बास से वस्त्र भी होता है उनके वेशभूषा वस्त्रों में स्टार लगाए हुए जो कि बड़े सुंदर कपड़े पहनने वाली इस प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जिन्होंने इस धरती पर आकर के हमारे गुरु वर्ग के श्री चैतन्य महाप्रभु जी की विचार धारा जहाँ सहिया सखी बेटी स्मार्ट जात गोसाई आउ बाउ पर
संशोधित करके उन्होंने इसे प्रवाहित किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया भक्ति गंगा के भगीरथ। ऐसे श्रीमद सच्चिदानंद वल्लभ ठाकुर जी ने जो कि गौर काम, गौर धाम और गौर नाम तीन कार्य को किया है, तीन कार्य को करते हुए उन्होंने गौर चंद्र की सेवा की, मायापुर धाम को प्रकाशित किया। आज जो विश्व जगत में गौरीय परंपरा की जो ये सूर्य है, प्रकाश है, इसका मूल स्रोत वही श्रीमद विनोद ठाकुर जी से है। इस प्रकार उनका जो कृपा करुणा आशीर्वाद है सारे विश्व जगत में आज प्रचारित हो रहा है। ऐसे जो श्रीमद विनोद ठाकुर जी हैं, हम उनसे आज कृपा भिक्षा करते हैं, वे हम सबको अपनाए और अनुग्रह पात्र जानकर कृपा आशीर्वाद वर्षण करें। इससे आगे हम लोग गए हरिहर क्षेत्र, जो कि आप जानते हैं हरिहर एक आत्मा सदा श्री विष्णु जो कि शिव रूप में प्रकटित है। आप देखते हैं शिव जी के मस्तक पर दूज का चांद है, दूज का चांद जो है शिव जी के मस्तक पर दिखाई देता है, और भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर क्या है, मोर मुकुट है। मोर मुकुट में जो स्टार की तरह जो नेत्र जैसे बना हुआ सौंदर्यीकरण, भागवत में लिखते हैं भगवान की सृष्टि कलाओं में ये मोर पंखों में जो कारीगरी की है, ये एक विचित्र कला है जो भगवान इतने बड़े कलाकार है। दूसरी बात है उसको पूर्ण चंद्र के रूप में देखा जाता है, जो कि 16 कलाओं में परिपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण। तो शिव की कितने कलाओं में है, 2 कला में। भगवान विष्णु की 2 कला जो है वही शिव जी में है। हरिहर एक आत्मा अतिशय प्रिय होने के कारण, सदा श्री विष्णु का ही अंश होने के कारण शिव जी को ही भगवान कहा गया, भगवत अवतारों में कहा गया है तो प्रकाश में। परंतु दूसरी ओर जीव तत्व के रूप में देखा जाता है तो वैष्णव बारा यथा शंभु, शंकर जी क्या है, वैष्णवों में सर्वप्रधान है श्री शंकर जी महादेव, जो कि तमोगुण के द्वारा जगत का सृजन संहार कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर मैं सृजन करता हूँ, और शिव जी संहार करते हैं, और भगवान विष्णु वे स्वयं सबका पालन करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है उन सब के पूर्ण अवतारी अपने ज्ञान पर तत्व स्वयं भगवान, वे स्वयं गौधरी बनकर के जब आए तो शंकर जी पहले तो काशी में रहते, पौंड्रीक वासुदेव के कारण, इन दुष्टों के कारण ये लोग तंत्र मंत्र करके जदुवंशी को ध्वंस करने के लिए जैसे ये तंत्र मंत्र छोड़ा, तो उस समय द्वारकापुरी में जा करके आग लगाने लगे, तो उस तब भगवान कृष्ण खेल रहे थे। भागवत में आया कि भगवान कृष्ण खेल रहे थे बैठे बैठे, और ऐसे खेल के मजे मजे में हम लोग आकर के बोले कि प्रभु परेशानी आ गई, द्वारकापुरी में आग लग गई है, जहाँ तहाँ उत्पात मच रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। भगवान कृष्ण बोले मैं खेल रहा हूँ, इस समय चेष्टा कर सकते चक्रों का सुदर्शन कौन है, उसको भगा दिया, उसको दुरुस्त बना करके आ जाओ। तो भगवान का सुदर्शन चक्र गया जा करके उस तंत्र विद्या को सारे प्रस्ताव को समाप्त कर दी, ये काशी में पहुंच गए, जा करके तंत्र कहने वाले मूल ब्राह्मण पंडितों को दुरुस्त कर दिया। फिर पंडित वासुदेव आदि से लेकर के जितने भी है सब को सारी काशीपुरी को आग लगा दी। जैसे ही आग लगा दी जला दिया तो उस समय शिव जी बोले भाई इन लोगों के चक्कर में तो फंस गया, अब मैं भी यहाँ त्राय त्राय
कुछ मगन हो जाऊं। इसलिए हरिहर क्षेत्र में आकर के स्वयं महादेव जी पार्वती जी के साथ में बैठे और गौर सुंदर के प्रेम में निमग्न हो गए, जो राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन करने में सुदर्श है। इसलिए उनके कथित शास्त्र को कहा जाता है आगम शास्त्र। आपने सुना है आगम और निगम। निगम शास्त्र वेद को कहा जाता है, शिव शास्त्र को आगम कहा जाता है। तो शिव जी ने क्या बात बताई पार्वती जी को? हमेशा राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीलाओं का वर्णन करके सुनाया, और जिसमें पंचरात्र में थी कैसे भगवान की पूजा होगी, कैसे सेवा की जाएगी, कैसे अर्चना होगी, इस तरह सब कुछ उन्होंने दिखाया। इसलिए इसे आगम कहा जाता है, शिव शास्त्र को आगम कहा जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम में जो सदा सर्वदा डूबे हुए हैं, काशी में मरने वालों के कान में राम नाम सुना करके उनको मुक्ति दिलाने वाले वे स्वयं सदाशिव विष्णु क्योंकि शंकर जी यहाँ हरिहर क्षेत्र में बैठ करके वे गौर प्रेम में डूब गए। गौर हरि गौर हरि गौर हरि करते हुए जो उनका आधा अंग गौर भाव में तन्मय हो गए। इसलिए आधा काला और आधा गोरा ऐसे मूर्ति में हरिहर महादेव को देखा जाता है, जो कि गौर सुंदर के प्रेम में विभोर हो गए, डूब गए। ऐसे जो शंकर जी हैं, आप शंकर जी के तत्व को आपने सुना है, आप देखिए संसार में यदि पवित्र चीज देखना है तो क्या है? सबसे पवित्र क्या है? गंगा जी है, भुवन पावनी गंगा। बोले कहां पर है? शंकर जी के मस्तक पर देखिए भुवन पावनी गंगा जी विराजमान है। और शंकर जी के शरीर में क्या देखने को मिलेगा? राग भस्म, भस्म मिलेगा, राग मिलेगा। बोले ये राग क्या है? शिव जी ने अपने शरीर में राग लगा करके ये दिखाया कि संसार का परिणाम इसी भस्म में ही है। भस्म संज्ञान राग कामो भी राजा हो और प्रजा हो, गरीब हो या अमीर हो, सबका परिणाम क्या है कि कृमि निष्ठा और भस्म। इस शरीर का परिणाम भस्म में है। इस शरीर के लिए हम इतना करते हैं, इतना अहंकार अभिमान गुमान में भरे हुए हैं, उस शरीर का परिणाम भस्म है। इसलिए उन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा करके दिखाया, अरे भाइयों जिस संसार में इतना रत्न रख रहे हो, बच रहे हो, उसका परिणाम तो देखो यही भस्म है। मैं अपने शरीर में लगा रखा हूं। कहां बैठे हैं? बोले कि मूल रूप में तो कैलाश में बर्फ के ऊपर बैठे रहते। बोले क्यों? उग्र मूर्ति है ना, तो उग्र मूर्ति को शांत करना पड़ेगा। उग्र भाव को शांत करने के लिए बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं, भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं। और उन्हें सारे विषयों को ठुकरा दिया पैरों के नख से। पार्वती जी महादेव की सतदेवी कहती है जो दिवाली में महादेव अपने चरणों के नख से सारी संपत्ति विषय धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब का ठुकरा दिया है। कृष्ण प्रेम में जो डूबे हुए हैं, मेरे पिता दक्ष प्रजापति उनके प्रति अपराध किया है, वो क्या करेंगे? दिवाली देव महादेव को पहचाने रही, मैं ऐसी दक्षा नहीं देने वाली, इस शरीर को भी छोड़ देती हूँ, रोकी नहीं। इसलिए उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। इस प्रकार जो दिवाली देव महादेव सब कुछ त्याग करके बैठे हुए हैं, कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। इसलिए भगवत जी ने कहा वैष्णवानाम यथा शंभु, वो संसार का स्वरूप है। ये जो पंचभौतिक पदार्थों में संसार बना हुआ है, इस संसार का स्वरूप दिवाली देव महादेव जी है। उनके शरीर में ये सारा संसार बना हुआ है, इसलिए वे सांपों की माला गले में धारण करते हैं और हम विष का पान करके संसार की रक्षा की है। इसलिए कहा जाता है शिव जी क्या है? सबसे बड़े एक किसान है।
आपने देखा है किसान खेती बाड़ी करते हैं, गेहूं चावल पक जा रहे पर उसको काट पीट करके लाते हैं, तो देखा जाता है अरे भाई किसान इतना बड़ा निर्दयस्थूल है, सारे पौधों को काट करके फेंक दिया, इतनी सारी खेती बाड़ी हो रही है सब काट पीट देता है, कैसा आदमी है। हम लोग सोचते हैं अरे जीव की श्रृंगार करते हैं, सबको काट पीट करके फेंक देते हैं, सबको मारते हैं, कितना निर्दय और निशुल्क का काम है, ऐसा क्यों करते हैं। सिंह जी तो किसान है, किसानों में बड़े किसान है, संसार में जितने भी जीव हैं उनकी खेती बाड़ी करते हैं, प्रलय का आने पर ये शरीर जरातीर्ण होने पर सिंह जी इसको काट करके भी सुरक्षित करते हैं, जीव सुरक्षित हो नए शरीर धारण करें, नया नया कर्म करें, फिर उनके जीवन का विकास हो। भक्ति दे योगमाया देवी दुर्गा देवी क्या करती है, कुल देवी योग माया मोरे कृपा करी आवरण सब परिवे कवि विश्व करी, कुल देवी योग माया देवी वे क्या करती है, जो कृष्ण के प्रति उन्मुख होती है धोते हैं ऐसे जीवों को देख करके भगवान से मिलाती है और भगवान के पास पहुंचाती है। ऐसे महादेव की क्या करते हैं, उनके भौतिक शरीर से जरा जीर्ण देह से छुड़ा करके फिर नया शरीर धारण करवा देते हैं। फिर जो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहे उन्हें लेकर के पहुंचाते हैं, जैसे कि वृंदावन में स्वयं गोविंद महादेव बन करके वे क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं में उन जीवों को प्रवेश कराते हैं। इस प्रकार जिनकी अहंतुकी करुणा है, संसार की खेती बाड़ी करने वाले एक किसान के रूप में जो कि देवताओं में आदि देवता है, देवताओं में आदि देवता है, इसलिए देवताओं में प्रधान देवाधिदेव महादेव शंकर जी है और भगवान कृष्ण क्या है अनादि आदि है। बहुत से लोग कहते हैं अरे शिव जी बड़े हैं या भगवान कृष्ण बड़े हैं, कौन बड़े हैं, कोई तो इसमें द्वंद कर लेते हैं। देवताओं में प्रधान है शंकर जी दिवाली देव महादेव है, परंतु उन देवताओं के ब्रह्मा जी के और शंकर जी के सत्य आदि कौन है, बोले अनादि आदि भगवान श्री कृष्ण है। और वे क्या है, अद्वैत परतत्व है, जिनके प्रतिद्वंदिता करने वाला कोई नहीं है, जिनके समान जिनके बराबरी जिनके ऊपर वाला भी कोई नहीं है, वो है अद्वैत परतत्व। और फिर स्वगत स्वजातीय भी जातीय भेद रही, ऐसे तो कोई भी नहीं बन सकते हैं। एको नारायणो आसी न ब्रह्मानत शंकर, जो कि सृष्टि से पहले एक नारायण ही थे, नारायण उपनिषद में दिखा रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी भी नहीं शंकर जी भी नहीं, गोपाल दाम ने उपनिषद में दिखाया ये ब्रह्मा शंकर आदि देवता गण वे सभी गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के परिकर बनकर नित्य विराजमान थे। ऐश्वर्य भाव से वहां वे कृष्ण के माधुर्य का पान करते हैं सेवा में डूबे और वहां से वे लोग आते हैं, इसलिए स्वर्गलोक में देवताओं के रूप में विराजमान जगत का कार्य करते हैं। इस प्रकार जो देवाधिदेव महादेव गौधर के प्रेम में निरंतर निमग्न रहकर सदा सर्वदा सबके प्रति अनुग्रह कर रहे हैं, आज हम लोग उस काम पर जाकर के प्रणाम करके आए, ऐसे महादेव जी हम सब पर अनुग्रह करें और राधा कृष्ण के योगी राधा गोविंद के चरणों में गौधरी के चरणों में प्रेम भक्ति दान करें। इसलिए वृंदावन अपने पते जय सो मामले शरण शरण निरुपा
इसके साथ कल हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ से निकलेंगे जो कि नरसिंह पल्ली जाएंगे। टुमारो आपको नरसिंह पल्ली जो 5 o'clock we are going from here with Kirtan Party with Mahaprabhu, everyone should be ready. আমরা সকলে আপনারা সকলে রেডি হয়ে যাবেন 5টার মধ্যে যেন আমরা বেরিয়ে যেতে পারি পরিক্রমা আর সোজা রাস্তা, কোনোদিকে এদিক ওদিক ঘুরবার আর ঘুরবার নয়, সোজা রাস্তায় যাবেন আর আসবেন। তাহলে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া বাস ইত্যাদি দেখে চলবে, ধাক্কা না মারে, সেই জন্য রাস্তা বাম দিকে ধারে ধারে চলবে আর সেইভাবে সুষ্ঠুভাবে যাতে পরিক্রমা হয়, কোনো বাধা বিঘ্ন না হয়, কৃষ্ণ দেবের চরণে আমরা পূজা প্রার্থনা করে আসবো। আপনারা কৃষ্ণ দেবের প্রণামী পরমান্ন হলে যা কিছু দিতে চান এখানে দিতে পারেন, পরেও দিতে পারেন, কিন্তু এখানে দিলে ভালো হয়, আপনারা দিলেন আর যে লোক দেওয়া চায় জানে। গৌর প্রমাণ ভক্তবৃন্দ সমন্বিতম শ্রী চৈতন্য প্রভু বন্দে নিত্যানন্দ সহোদিতম শ্রীরঙ্গনন্দন বন্দে রাধিকা চরণান্তরম গোপীজন সমযুক্ত বৃন্দাবন মনোহরম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। মে সবসে পেলে অষ্টীয় গুরুপাদ পদ্ম ওম বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত শ্লোক বন্দস্বামী মহারাজ এবং ওম বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ কৃষ্ণ মহারাজের চরণ সমাগমে অনন্ত প্রতি সাষ্টাঙ্গ জন্ম জ্ঞাপন করি। তৎপশ্চাৎ প্রতি সন্ন্যাসীদের চরণে এই সাষ্টাঙ্গ জন্ম জ্ঞাপন করি। তদনন্তর উপস্থিত বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণববৃন্দকে যথাযোগ্য দণ্ড প্রণাম এবং সাদর অভিনন্দন। আজ আমরা বৈষ্ণবকে আনুগত্য মে গোত্রুম ধাম কা দর্শন কিয়া, গোত্রুম মে আপ লোক যা গয়ে থে শ্লো ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কে স্থান পর উস বিষয় মে শ্লো গুরুজি বলতে থে কি শ্লো ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কা দো প্রধান কাম হ্যায়, এক তো শ্রী মহাপ্রভু কে আবির্ভাব স্থলী কা আবিষ্কার আর দুসরা অর এক প্রমিনেন্ট কাম হ্যায় প্রভু শ্লো ভক্তি বিনোদ ঠাকুর নে হি প্রভু কো আপ সত্য ঠাকুর কো আবিষ্কার কিয়া। শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর না হতে তাম লোক সত্য ঠাকুর প্রভুপাদ কো কিছু নেই জান সকতে থে। আজ হাম লোক জো দৌড়ে মঠে বেঠে হুয়ে হ্যায় যা পুরা বিশ্ব মে জো প্রচার বিভিন্ন সংস্থা কা দেখ রহে হ্যায় জিসকে মূল পুরুষ হ্যায় শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত কর সত্য ঠাকুর প্রভুপাদ, উনি কে বিচারধারা কো লে করকে হাম সব লোক প্রচার কর রহে হ্যায় অর তবি হাম বেঠ করকে সুন রহে হ্যায়। अगर प्रभुपाद नहीं आते वैष्णव खड़ा कहा रुक जाती कोई समझ नहीं सकते थे, इसलिए यही भक्ति ठाकुर के प्रिय दान है। भक्ति ठाकुर दर्शन करते हुए जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे दाहिने तरफ गौरधर का श्री विग्रह जब भक्ति ठाकुर का ही है, उनकी बाएं तरफ समाधि मंदिर है कृष्णदास बाबा जी महाराज। কৃষ্ণ কুমারি মহারাজ পাইলে কা নাম থা কমল, শ্রীল ভক্তি ঠাকুর কে সেবক থে। জব শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভজন করতে হুয়ে মায়াপুর কো জ্যোতি কো দেখা থা আর ভীর দেখা বহুত উঁচে উঁচে অট্টালিকা, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আর উনকে পরিকর এক সাথ হাত উঠা করকে নিত্য বিপদ কর রহে হ্যায়, ये देख करके तो भक्ति ठाकुर सबसे पहले अपने सेवक कमल को दिखाया था, कमल भी देखा था, बाद में उनका नाम भक्ति ठाकुर रखा कृष्णदास। जब परिक्रमा करते और थोड़ा आगे आएंगे तो श्री गोरख सोदास कुमारी महाराज के स्थान है। श्री गोरख सोदास कुमारी महाराज प्रभुपाद सत्य ठाकुर के गुरुपाद पद्म है। जब श्री प्रभुपाद ने प्रतिज्ञा किया मैं दीक्षा के वर्ष महापुरुष से ही लूंगा
कुशोदासवारी महाराज दीक्षा देने से इनकार कर दिया है। पता है मैं महाप्रभु को पूछूंगा, एक हफ्ता बाद बताऊंगा, फिर पूछे और मैं भूल गया, मैं फिर बहुत सुंदर को पूछूंगा। ऐसे कई बार जब टाल दिया तो भक्ति सिद्धांत तथा सतगुरु ठाकुर प्रभुपाद ने प्रतिज्ञा किया कि मैं कामना व्रत करूंगा और गोपराज भजन करूंगा। गोपराज का अर्थ है गो माता जैसे मुख से खाती है, ऐसे प्रभुपाद ने विचार किया मैं हाथ से जाकर नहीं खाऊंगा, जमीन पर रख के मुख से खाऊंगा। दूसरी बात है चामना व्रत का तात्पर्य जैसे चंद्रमा प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक बढ़ती है और फिर पूर्णिमा के बाद से लेकर के धीरे धीरे करके घटता जाता है, ऐसे ही कहीं एक ग्रास दो ग्रास सोलह ग्रास तक लेंगे, फिर 15, 14, 13, 12 ग्रास के फिर जाके अमावस्या के दिन कुछ नहीं लेंगे, ऐसे कठोर तपस्या करने लगे। एक दिन भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया ओ बाबा जी महाराज आप क्या इसको मारना चाहते हैं, सोलह ग्रास क्यों नहीं करते हैं। प्रभुपाद के कहने पर गोरुसदास्वर जी महाराज ने प्रभुपाद को अंगीकार किया। वही गोरुसदास्वर जी ने एक बार बहुत सुंदर धोती पहन के आए, पंजाबी पहन के बाबू बन के आए, तो भक्ति ठाकुर ने पूछा ओ बाबा जी महाराज ये क्या बात है, तो बताया यही ठीक है नहीं तो हमारा अनुमान करके लोग विचार करते हैं ये बाबू वाला ड्रेस बहुत अच्छा है, ये संस्थान हम लोग आज दर्शन किया। और एक बात नहीं करने से बहुत क्षति हो जाएगा कि परम निंदर की उधर महिमा बहुत सुंदर में छिपा हुआ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जैसे प्रभुपाद सत्य ठाकुर के पुत्र है ऐसे उनके और एक पुत्र का नाम ललिता प्रसाद, प्रभुपाद का नाम था विमला प्रसाद और उनके छोटे भाई का नाम था ललिता प्रसाद। भक्ति विनोद ठाकुर के भजन कुटी और समाधि मंदिर ललिता प्रसाद के आचार्य में था। प्रभुपाद की इच्छा हुई अब ऐसे कोई नहीं है कि भक्ति विनोद ठाकुर के समाधि स्थान को और भजन कुटी को हमारे आंध्र में ला सके। प्रभुपाद जानते थे ये काम प्रभुपाद विनोद ही कर सकता है क्योंकि उस समय परम गुरु सन्यास नहीं लिया था, उनका नाम था विनोद बिहारी ब्रह्मचारी और प्रभुपाद की जो संपत्ति था उनका टैक्स श्री परम गुरु ने विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के रूप में ही वसूल करके दिया था। और हम लोग का परम गुरु ने बताया प्रभुपाद आपकी जो इच्छा है वही पूरी होगी, ये कभी अपूर्ण नहीं रहेगा। तब परम गुरुदेव ने क्या किया कुछ लाठियाल को किराया में लिया, उनको बता दिया देखो तुम लोग गोतुल में भक्तिनाथ ठाकुर के समाधि स्थान पर और भजन में जाकर के लाठी खेलना शुरू कर देना, तुम बोलूंगा ललिता ठाकुर को मैं करूंगा तुम करना मैं मारूंगा, तो अरे तुम कैसे मारोगे मैं तुमसे एक्सपर्ट लाठियाल हूँ, तो मैं तुम यदि नहीं मारेगा तो मैं तुमको मारूंगा फिर उसको मारूंगा, ऐसे करके आपस में लड़ नहीं जाना लेकिन वक्त फेंक करना, तो पता चले कि तुम लोग अपनी मारने के लिए आए हो और बोलना ललिता प्रसाद जी से भाग जाए नहीं तो विनय बाबा आकर के तुम्हारा समस्त काम कर देगा, ऐसे जब बोल करके लाठी से बिल्ले मार करने लगे देख करके ललिता प्रसाद डर गए वहीं से भाग गए। और परम गुरु जब ब्रह्मचारी को लेकर तुझे बात आ ही रहे थे आके जब पहुंचे मैदान पूरा साफ है न ललिता प्रसाद है कुछ नहीं करना पड़ा और कुछ ब्रह्मचारी उधर सेवक के रूप में नियुक्त करके प्रभुपाद को खबर दिया प्रभुपाद आपकी कृपा से ये स्थान अपने आप दखल के ना गए, इसलिए परम गुरुदेव की ये महिमा को छिपा हुआ है जो किसने नहीं स्पर्श किया उसी बहन को मैं कह करके मैं वक्त को समाप्त कर रहा हूँ। पंचाकल कृपा सिंधु भवन नमो नमो से प्रार्थना करता हूँ खाली सकार एक बताने किसी को बोले जो आना जाना निश्चित बोली।